एमपी से राज्यसभा के लिए बीजेपी की उम्मीदवार घोषित, कविता पाटीदार को बनाया गया उम्मीदवार, दूसरे उम्मीदवार का जल्द कर सकती है ऐलान। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्यसभा के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को बनाया उम्मीदवार, कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नामों पर लगाई मुहर, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटें हो रही हैं खाली। मध्य प्रदेश में आज जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना, सभी चरणों के लिए भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र, नाम वापसी की अंतिम तारीख 10 जून। सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं की समीक्षा की, सीएम ने कहा लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, बोले 23 स्थानों पर ओबीसी को नहीं मिला आरक्षण, किसानों पर अत्याचार में एमपी देश में नंबर 1। सुकमा में आंधी तूफान से भारी नुकसान, दोनापाल में तूफानी हवाओं ने जमकर मचाई तबाही, तेज हवा से 50 से अधिक घरों में नुकसान का अंदेशा। ज्ञानवापी केस में आज अहम सुनवाई, वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका की सोशोड़िता पर सुनवाई, तो सर्वे रिपोर्ट देने पर भी आज फैसला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने तेज की धरपकड़, संदिग्ध बोलेरो बरामद, जांच के लिए एसआईटी का भी गठन, डीजीपी बोले बिना बुलेट प्रूफ कार और कमांडो के घर से बाहर निकले थे मूसेवाला।